विगत दिनों डैम्पियर नगर में एक हुई वृंदावन की पूर्व सभासद मीरा ठाकुर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि बेटे के ससुरालियों ने ही मीरा ठाकुर को गोली मारी थी। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त असला व मोटरसाइकिल बरामद की गई है। विगत दिनों पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र के डैम्पियर नगर इलाके में दिन दहाड़े हुई पूर्व सभासद मीरा ठाकुर की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कोई और नहीं, मृतक पूर्व सभासद मीरा ठाकुर के बेटे के ससुराली जन है और दोनों ही सगे भाई हैं। अभी तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से तमंचा, पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद की है। आपको बता दें कि पूर्व सभासद मीरा ठाकुर की हत्या की वजह बेटे की ससुराल में चल रहा पारिवारिक विवाद और प्रॉपर्टी निकलकर सामने आई है, जिसका कारण दोनों पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था। एसपी सिटी मातंड प्रकाश सिंह ने बताया कि पूर्व सभासद की हत्या के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी पर पता चला है कि हत्या के मुख्य कारण प्रॉपर्टी और पारिवारिक विवाद है। साथ ही अन्य तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मथुरा से प्रेम कौशिक की रिपोर्ट। 10 तारीख को सायं 4 बजे डैम्पियर नगर थाना क्षेत्र कोतवाली में पूर्व पार्षद मीरा ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने प्रयास करके इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी और तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली पुलिस और स्वाट की टीम लगातार दबिशें दे रही हैं। घटना का जो संक्षिप्त कारण समझ में आया वो इस प्रकार है। मीरा ठाकुर के लड़के की शादी रमेश तरकर की बेटी से हुआ था, जिनमें पारिवारिक विवाद पिछले 8 साल से चल रहा था। 10 दिन पहले इस घटना के मुख्य अभियुक्त दीवान सिंह को ये जानकारी हुई कि मीरा ठाकुर ने मेरी बहन से तलाक के लिए मुकदमा दायर कर रखा है, और उसने इस जानकारी के बाद कि मेरी बहन को अब वो लोग छोड़ देंगे, उसने ये योजना बनाई। इनके बीच में चौहा पर एक प्लाट को लेकर भी विवाद है, जो कि दीवान सिंह की बहन के नाम ही उस प्लाट का रजिस्ट्री है। मीरा ठाकुर लगातार दबाव बना रही थी कि वो भूमि इनके नाम वापस आ जाए। इन सब को लेकर 10 तारीख को अपने 5 अन्य साथियों के साथ दीवान सिंह ने ये घटना कारित की। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और दो अवैध असलहे जो घटना में प्रयुक्त हुए थे उनको बरामद कर लिया।